नमस्कार। कोई स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल से मुझे फ़ोन किए थे। बाल का रोग, ठंडा का दिन में क्या करना बताइए। बाल झड़ रहा है और बाल फट रहे हैं, किसी का रूसी बहुत हो रहा है। भाई मेरे, आप कैसे नहीं समझते हो? पूरा स्वास्थ्य गुरुकुल में 1000 वीडियो बना के दे दिया, नहीं समझ रहे हो? वो शैम्पू लगाएंगे, ये पेस्ट लगाएंगे, ये गधा करेंगे, घोड़ा करेंगे, भेड़ करेंगे, बकरा करेंगे, बाबा जी का ठुल्लू करेंगे। अरे महाराज, याद रखना, बाल झड़ने का पहला बड़ा प्रमुख कारण पाकिस्तान पेट। ठीक है, ये पाकिस्तान ठीक है ना तो बाकी सारा वर्ल्ड ठीक है, ये पाकिस्तान खराब है सब प्रॉब्लम। कोई बोला यार सर्दी बहुत है ये वो, अरे सर्दी नाक से झड़ रहा है, प्रॉब्लम पाकिस्तान। आप अभी ये सीजन में देखो, ठंडा सीजन, तुला संक्रांति जब हो गया तो सूर्य भगवान नीच हो जाते हैं। चलो नीच भंग हो भी गया, शुक्रदेव साथ में थे, शनि का दृष्टि था, लेकिन नीच तो है ना भाई। अब जब सूर्यदेव बहुत दूर चले जाते हैं तो सूर्य का किरण धरती पे बहुत स्ट्रांगली नहीं पड़ता, तो ऋतुचर्या के अनुसार इस ऋतु में ये समझ तो जाओ कि ऋतुचर्या में क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे जीवन यापन करना। तो हम गधे अगर ऋतुचर्या को नहीं समझ पाते हैं और हर ऋतु में कुछ भी खा लेंगे, बोलेंगे चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट हॉट डॉग बर्गर पिज्जा पास्ता, भाई कौन बचाएगा बीमारी से? याद रखना, जितने बालों का समस्या वाले होंगे, 70% ड्यू टू फास्ट फूड। जितने सर्दी वाले होंगे, नज़ीला, नाक बंद, नाक बहना, नाक से बदबू आना, थप्पा थप्पा निकलना, ये लिख लो 70 to 80% उनका एक ही कॉज है, पेट में कचड़ा जमा है। आप देखो, आप बोलोगे यार हमारा तो लेटरिन अच्छा होता है। मैं बोला प्रभु, आप त्रिकालदर्शी महात्मा, परम ज्ञानी, स्वास्थ्य ज्ञान पे आप महानुभाव हैं, आपको क्या बोलना? जब आप कह रहे हो कि ठीक है मेरा तो पेट साफ है, मैं बढ़िया पोटी करता हूँ, कर लो। अगर बढ़िया करते हो तो बाल क्यों झड़ रहा है? बढ़िया करते हो तो फिर नाक क्यों बह रहा है? बढ़िया करते हो तो सूंघ के देखो, कांख गंद क्यों आ रहा है ना? तो ऐसा है, एनिमा ले के देखो। ऐसा करना, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक बार लेटरिन चले जाओ सुबह, तो जो भी है चाय वाय पी के तो क्या करें, जब आपके पास काढ़ा बनाने का फॉर्मूला ही नहीं है, काढ़ा बना ही नहीं सकते, एक ही काढ़ा पियोगे पियोगे तो। मैं बोलता हूँ 4-5 काढ़ा पियो, तुलसी का काढ़ा, धन्वंतरी का काढ़ा, नहीं है तो हमें संपर्क करो, आपको देते हैं तुलसी का पत्ता, धन्वंतरी का पत्ता और अर्जुन का छाल का पत्ता, और ऐसे बहुत सारे मैं बताया हुआ हूँ उस प्रकार के काढ़ा आप पीना है, नहीं है तो चाय पियो और मरो, क्या करें, क्या उपाय है आप ना? तो ये सब चाय वाय जो भी पी लिए आप, फिर पॉटी चले गए, और जिनको खैनी खा के भी जाना है तो खैनी खा के भी चले जाओ। आपको लगा कि मेरा पेट साफ हो गया, हाँ बढ़िया, आपका बात मानता हूँ। आगे ऐसा करना, एनिमा पॉट खरीद लेना, पानी वाला, 150, 200, 300 में आता है, नहीं मिले तो हमें संपर्क करना, आप तक भेज देंगे। हाँ वो कुरियर चार्ज वगैरह सब लेंगे, भेजेंगे, ठीक है। और एक एनिमा ले लेना, देखोगे जितना पॉटी किए हो 3 गुना मल आपके पेट से निकलेगा। अच्छा एनिमा क्या है, इसी स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, एनिमा के बारे में नीचे नीचे का वीडियो मिल जाएगा, और नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। नेचुरोपैथी एनिमा क्या है, आप बिलीव नहीं करोगे, जितना पॉटी किया उसका 3 गुना मल पिला पिला आपके पेट में से निकलेगा, जिसको कि आप दिन भर पकड़ के घूमोगे। खाली दिन भर नहीं, महीना भर पकड़ के घूमोगे, खिल महीना भर नहीं, साल भर पकड़ के घूमोगे, क्योंकि वो स्टिकी होके इंटेस्टाइन में लटक के रह जाता है। अच्छा क्यों लटकता है, लो
दास्यायले मूळ रुगा। अरे महाराज, जो भी आज के डेट का फास्ट फूड है, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, बिस्सा, कुटो, मिक्स चोर और सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, ये जितने सारे जहर खा रहे हो ना भाई, और आपके दिमाग में तो नहीं है कि ये सबको नहीं खाना है, बदले में काला नमक खाना है, लाल चावल खाना है, खुरदरा आटा खाना है, ज्वार जौ का आटा खाना है, ये जो गधा आटा नहीं खाना है, सरबती आटा, पछड़ू आटा, मुचड़ू आटा नहीं खाना है, ये भारत में कोई खाता नहीं था। अब ये सारा विद्या फिर थोड़ी पढ़ाऊंगा आप, ये जो भी खाते हो, दीज आर ऑल बिलोंग्स टू मैदा। अब कुछ गधे आने आने लग गए, बोले आटा का ब्रेड, आटा का बिस्किट, आटा का चौमीन, आटा का नूडल, आटा का बिगी, बिगी माने समझ लो, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर मेरा वीडियो ब्लॉक कर देंगे ना, भैगी भूगी थूगी फूगी, वो पिला 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 बच्चे खाएंगे 2 मिनट में, तेरा बाप खाएगा। तो ये सब जब खाते हो भाई मेरे, ये खराब नहीं होगा बोल के बहुत सारे केमिकल डोजिंग है, लोग इसमें एडिक्शन हो बोल के उसमें बहुत सारे ड्रग्स भी डाला जाता है, कंपनी का खाना है, पैक्ड फूड खाना है, पैकेट में पैकिंग करोगे तो स्वाभाविक बात है वो खराब हो ही जाएगा, लेकिन इनका माल तो बरसों तक खराब नहीं होता है, डेट चेंज कर करके भेज देते हैं, क्यों खराब नहीं होता है? उसमें इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, प्रिजर्वेटिव्स डाला गया है, कोई बोलता है नाइट्रोजन गैस डाले हुए हैं, बाई खाओ आपका इंटेस्टाइन में चपक के रह जाता है, जिसका परिणाम वो इंटेस्टाइन को आप बढ़िया, आप सोचोगे तो मैं बढ़िया बढ़िया खा लिया, सलाड मलाड तलाड खा लिया, अरे खाओगे खाक, ऑलरेडी इंटेस्टाइन वाल में जो चिपका हुआ है, बॉडी तो उसी से ले रहा है ना, आपका बॉडी में एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है, अम्लता को बढ़ा रहा है, पित्तत्व को बढ़ा रहा है, सर पे जा रहा है। अब ये जानते हो, जब भी कोई मर जाता है तो वो जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है ना, तो बाल का भी सैंपल लेते हैं, क्योंकि बाल ही एक ऐसा चीज़ है जो बताता है कि 24 घंटा के अंदर आप क्या खाए थे, जहर खाए हो तो बाल में आ जाएगा, साग खाए हो तो बाल में आ जाएगा, तो बाल आप जैसे खाते हो सर का, आप बोलोगे वो शैम्पू लगाएंगे, आधा नहाएंगे, गर्म पानी में नहाएंगे, स्टीम दे देंगे, और शैम्पू और क्या क्या केमिकल डाल देंगे, दवा डाल देंगे, मेरे को तो नाम भी पता नहीं। अरे भाई मेरे, देख लो बुढ़ा के अवस्था में भी बाल ठीक ठाक है ना, एनिमा लो, कुत लो, सलाद लो, इन सब ठीक है, पहले पेट साफ करो, पहले पेट साफ होगा, एनिमा लोगे बाल झड़ेगा नहीं। नींबू का एनिमा ले सकते हो, नीम का एनिमा ले सकते हो, मधु का एनिमा ले सकते हो, गुड़ का एनिमा ले सकते हो, गोमूत्र का एनिमा ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समझ बूझ के, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो ठोक ले बेटा फिर कुछ हुआ तो फिर हमें गाली दोगे, नहीं, अनुभवी नेचुरोपैथिस्ट हो, वैद्य हो, उनसे सलाह मशवरा करके उनके पहले तो सीख लो अच्छा से, और लेके देखो आपका बाल झड़ जाए तो हमें बोलिएगा, गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूँ, तो हूं ना बम बम कैलाशी, देख तो रहे हो, झड़ा के दिखा दो। तीसरा, एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में जब भी आप देखोगे कि आपके लग्न से कोई बड़ा ग्रह क्रॉस कर रहा है, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, शनिदेव हो या राहु केतु हो, या कभी कभार गुरु की स्थिति में भी मैं देखा हूं, कुंडली चेक करवा लो कि आपका क्या राशि है, लग्न है, उसी हिसाब में उनका रेमेडी कर लो, क्या क्या करना है। अच्छा, गुरु क्रॉस कर रहे होंगे तो हल्दी लगा के नहा लो, दूसरा शनि क्रॉस कर रहे हैं तो तिल का तेल का उपयोग कर लो, थोड़ा सा तिल का तेल का, जो भी, भले 7.5 ही नहीं लगा, लग्नों को क्रॉस करेंगे कहाँ से 7.5 ही लगेगा, राहु केतु क्रॉस ओवर कर रहे हैं तो फिर उनके लिए नारियल का ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस प्रकार के प्लानिटरी ट्रीटमेंट कर लो, देखो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। ओवरऑल अगर बाल झड़ने के पीछे बृहस्पति अगर आपके कुंडली में पीड़ित हो रहे हैं या और कुछ, तो थोड़ा सा हल्दी लगा के स्नान कर लो, ये प्लानिटरी ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट तो यही है कि बाल का ठंडा के दिन में अगर ध्यान देना है तो एनिमा लेके करना, बाल का समस्या ठीक हो जाए। सर्दी हो रहा है
ठंडा है, खांसी है, ठोक लो एनिमा बढ़िया से, देखो कारगर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर आपको 50 यूट्यूब में घूमना नहीं पड़ेगा, 50 डॉक्टर और इसके पास जाना नहीं पड़ेगा, सर्दी ठीक हो जाएगा। पेट में कंस्टिपेशन है, सर्दी पेट में कंस्टिपेशन है, बाल झड़ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, नहीं तो नहीं करना, किसको चाहिए, मर्जी आपका।